हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सरन। यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है इंडियन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। आज हम इंडियन इंग्लिश की बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे फनी सेंटेंसेस है जो हमने ईजाद कर दिए, हमने बना दिए हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं। क्या है वो सेंटेंसेज जो हमने अपनी तरफ से बना दिए और वो गलत होते हैं, बट फिर भी हम इंडियन इंग्लिश में यूज करते हैं। इट मीन्स इंग्लिश हमने भी अपनी बनाई है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए, जो हम इंडियन ने बनाए हैं। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले सेंटेंस की बात करेंगे। हम हिंदी में अगर पूछते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, आपका शुभ नाम क्या है, बट हमने इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में भी ऐसे ही कर दिया है, व्हाट्स योर गुड नेम। तो ध्यान में रखिएगा, जब किसी इंसान से आप पूछ रहे हो व्हाट्स योर गुड नेम, तो आप उसको इंडायरेक्टली बता रहे हो कि आपका एक बुरा नाम भी है, यू हैव ऑल्सो अ बैड नेम। सो कोशिश कीजिएगा कभी ना पूछें आप किसी से व्हाट्स योर गुड नेम, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप उसको बता रहे हो आपके दो नाम है, एक अच्छा और एक बुरा। जबकि नाम नाम होता है, उसमें अच्छाई बुराई वाली बात नहीं होती है। जब ब्रिटिश पूछेगा तो नॉर्मली पूछेगा योर नेम प्लीज, हाउ कैन आई कॉल यू, मे आई नो योर नेम। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, तो हम इंडियन ने बना दिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज आप रस्ते से जा रहे हो, कोई रस्ते में खड़ा तो आप उसको बोल देते हो साइड प्लीज, यस ऑफ कोर्स साइड प्लीज। बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सक्यूज मी प्लीज, यस ऑफ कोर्स एक्सक्यूज मी प्लीज, अटेंशन को पाने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ओनली को लास्ट में लगाते हैं, जैसे केवल पानी लूंगा भैया, केवल पानी, सो वॉट्स ओनली, इंग्लिश ही बोलो खाली, इंग्लिश ओनली। या फिर बात कर लेते हैं 500 रुपए केवल, 500 ओनली। या फिर बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत से रहते हैं, दो पेन ओनली, टू पेन ओनली, तो ऐसे करके बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये इंडियन ने ईजाद किया लास्ट में ओनली लगाना। जब हम बात ब्रिटिश इंग्लिश की करेंगे तो वो पहले लगाते हैं, जैसे केवल पानी ओनली वॉटर, केवल इंग्लिश ओनली इंग्लिश, केवल 500 रुपए ओनली 500। और लास्ट फैक्ट की बात करो तो लास्ट फैक्ट भी बड़ा अच्छा है, एक काम करना पंखा बंद कर दो, एक काम करना पंखा चला दो, एक काम करना लाइट को ऑफ कर दो, एक काम करना लाइट बंद कर दो, मींस चला दो बंद कर दो, उससे पहले हम लगाते हैं एक काम करना। एक काम करना एक आइसक्रीम भी ले आना। सो एक काम करना ब्रिटिश कभी यूज नहीं करता, हम इंडियन ने बना दिया डू वन थिंग, यस ऑफ कोर्स डू वन थिंग। सो बात करेंगे डू वन थिंग स्विच ऑफ द फैन, एक काम करना लाइट जला दो, डू वन थिंग स्विच ऑन द लाइट। बट ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ इंडियन ने किया है डू वन थिंग, ब्रिटिश ऐसे बिल्कुल नहीं बोलता है। अब डू वन थिंग क्या है, एक काम करना, बात तो मेन वही है ना कि लाइट जला दो पंखा चला दो। तो ब्रिटिश जब भी बोलेगा डू वन थिंग नहीं करेगा कि इंडियन ने इजाद किया हमने ट्रांसलेट किया है, वो सिंपली बोलेगा पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। सो एक काम करना ब्रिटिश के लिए कोई सेंटेंस नहीं है जो आप बना देते हो डू वन थिंग। सो ये फोर फैक्ट थे, फोर सेंटेंस थे जो इंडियन ने इस तरीके से बनाए और ब्रिटिश इसको ऐसे यूज करता है। सो आप मुझे जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा यूज करते हो कमेंट सेशन में, या फिर आप यूज नहीं करते। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडियन ने इंग्लिश में बनाया होगा, ब्रिटिश क्या ऐसे बोलता है, अगर आपका डाउट है तो भी आप कॉमेंट में डाल दीजिएगा। कोई एडवाइस है अच्छी सी बुरी सी, आप जरूर दोनों कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो भी और वीडियो बुरा लगा तो भी डाल दीजिएगा। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो मैं तो चाहूंगा आप लाइक करें, बट अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। और अगर ऑब्वियसली पसंद नहीं करते हो, वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो आपको बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।